नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी 111वीं शिक्षा परीक्षा का समय चल रहा है और ऐसे में कैंडिडेट के जो हॉल टिकट हैं वो नए वाले पोर्टल के साथ साथ पुराने वाले पोर्टल पर भी आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन हॉल टिकट को डाउनलोड करते समय भी अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग तरह की समस्याएँ आ रही हैं। किसी का हॉल टिकट डाउनलोड हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, या फिर किसी के हॉल टिकट पर फोटोग्राफ नहीं दिख रहा है, या फिर बहुत से कैंडिडेट के दो दो हॉल टिकट जनरेट हो चुके हैं और अब वो यह सोच रहे हैं कि उनको किस हॉल टिकट से एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, मेरे द्वारा कल एक पोल किया गया था और उस पोल में यह पूछा गया था, दोस्तों क्या अप्रेंटिसशिप का जो AITT एग्ज़ाम होता है वो बंद हो जाना चाहिए या नहीं। तो आपके द्वारा भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इस पोल में हिस्सा लिया गया और आप में से 51% का यह जवाब था कि जो AITT एग्ज़ाम है वो बंद होना चाहिए, और इनमें 45% कैंडिडेट का यह जवाब था कि जो AITT एग्ज़ाम है वो तो होना ही चाहिए, और 4% कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने यह कहा है कि इस बारे हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पोल को करने का मेरा मोटिव था आप तक एक सूचना पहुंचाना, और दोस्तों यह सूचना है जो AITT एग्ज़ाम है उसको बंद होने के बारे में ही है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो 111वीं शिक्षा परीक्षा देंगे यह आपकी इस तरह की अंतिम परीक्षा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे से DGT के द्वारा कोई भी AITT एग्ज़ाम अप्रेंटिसशिप के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा और यह AITT एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी ITI पासशुदा कैंडिडेट को यदि अपने ट्रेड में स्किल हासिल करनी है तो उसे किसी डिपार्टमेंट में ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होती है, और दोस्तों इसी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, और यह अभी 1 साल की होती है, और 1 साल करने उपरांत कैंडिडेट को AITT एग्ज़ाम देना होता है, और जब कैंडिडेट AITT एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और दोस्तों, जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पास होता है केवल उसे ही यह NSE सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अनुसार 1961 में अप्रेंटिसशिप लगने का कार्य शुरू हुआ था और 2016 तक आते आते यह कार्य ऑफलाइन था, यानी 2016 से पहले यदि किसी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप लगनी होती थी तो उसको एक अप्लीकेशन लिख कर ITI में जाना होता था, और ITI से फिर उस कैंडिडेट को जिन डिपार्टमेंट्स में अप्रेंटिसशिप की सीट होती थी वहाँ पर भेजा जाता था। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट इशू का काम होता था वो भी ऑफलाइन होता था और एग्ज़ाम का कार्य तो ऑफलाइन होता ही था। लेकिन दोस्तों, 2016 में जब विप्रो का पोर्टल शुरू हुआ तब यह कार्य ऑनलाइन शुरू हो गया था। दोस्तों, विप्रो का पोर्टल यानी apprenticeship.gov.in। और दोस्तों, जब पहली बार ऑफलाइन से ऑनलाइन यह पोर्टल हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा ऑफलाइन से ऑनलाइन तक शिफ्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस दौरान भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे रह गए थे जिनका डाटा किन्हीं कारणों से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो पाया, और इस वजह से वो कैंडिडेट एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाए थे। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का डाटा पोर्टल पर अपलोड हो गया था उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट भी अभी तक भी रुके हुए हैं, यानी कुल मिलाकर बहुत सारे दिक्कतें उस समय कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी थी। और दोस्तों, उसके पश्चात भी इस पोर्टल में बहुत सारी दिक्कतें समय समय पर आती रही। ज़्यादातर समय यह पोर्टल बिजी रहता था और अक्सर एग्ज़ाम के समय तो यह पोर्टल बिजी हो ही जाता था। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए DGT के द्वारा एक और पोर्टल 2019 में शुरू कर दिया गया, और दोस्तों इस पोर्टल का नाम था apprenticeshipindia.gov.in, यानी अभी जिस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप लग रहे हैं यह पोर्टल। लेकिन दोस्तों, इस पोर्टल में भी अब कुछ दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आने वाली दिक्कतें, आधार कार्ड को लिंक या डी लिंक करते समय आने वाली दिक्कतें, या फिर प्रोफाइल से संबंधित दूसरी तरह की समस्याएँ। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के कारण कैंडिडेट का बहुत सारा समय खराब हो जाता है, यानी कई कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो 3-3 साल तक अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी नहीं कर पाते, यानी किन्हीं दिक्कतों की वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते। फिर अगला एग्ज़ाम का समय आ जाता है
और उस समय भी जब वो दिक्कत दूर नहीं होती है तो फिर अगले एग्ज़ाम का समय आ जाता है, तो इस तरीके से कैंडिडेट्स के 2 या 3 साल खराब हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए डीजीटी के द्वारा कुछ सजेशंस मांगे गए थे, और दोस्तों यह सजेशंस सभी RDSDs या फिर AAA से मांगे गए थे, और उन सजेशंस में यह भी एक सुझाव था कि क्यों ना इस अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम को ITI होल्डर्स के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जितने भी ITI होल्डर कैंडिडेट होते हैं उनको ITI करने उपरांत भी एग्ज़ाम देना होता है, और उस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के उपरांत ही उन्हें ITI का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब कैंडिडेट वह एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर ही लेते हैं तो दोबारा से अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम लेने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, उन सुझाव में हमारे द्वारा भी यह एक सुझाव दिया गया था कि जो AITT एग्ज़ाम है उसको क्यों ना बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इन सुझावों में और भी बहुत सारे अलग अलग सुझाव थे, तो अब DGT ने यही फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो अप्रेंटिसशिप का AITT एग्ज़ाम होता है उनको ITI होल्डर्स के लिए बंद कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह केवल ITI होल्डर्स के लिए ही बंद होगा, फ्रेशर जो कैंडिडेट होते हैं उनके एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहेंगे, और अभी जो अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट होंगे उनको केवल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ही देना होगा, और यह एग्ज़ाम उनके डिपार्टमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा, और उसके पश्चात कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम उसी लेटर को देखने वाले हैं जिसमें यह सारी बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, अभी यह लेटर किसी वेबसाइट पर तो नहीं डाला गया है, लेकिन हमारे पास DGT से प्राप्त हुआ है, तो वो लेटर मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, यह वो लेटर है जो DGT के द्वारा जारी किया गया है, और दोस्तों यह लेटर 20 दिसंबर 2021 को ही जारी किया गया है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस इन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिगार्डिंग, यानी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करने के बारे में यह सब्जेक्ट है, और इसमें एक मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है जो कि 24/11/2021 को जो DGT के सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में हुई थी। दोस्तों, इस लेटर में यही बताया गया है कि प्रायः यह देखने में आया है कि MSDE, DGT या फिर NSDC के द्वारा जो भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं तो उनमें काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें जैसे महत्वपूर्ण जो काम थे वो हैं स्टाइपेंड रिम्बर्समेंट, ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कंडक्टिंग एग्ज़ाम ETC। और दोस्तों, यह ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो ऑर्डर हैं ये एक्चुअल में जो अप्रेंटिसशिप के जो ट्रेनिंग होते हैं उनकी प्रोग्रेस में रुकावट ही पैदा करते हैं। इन दिस रिगार्ड डिसीजन टेकन बाय ब्रॉड कंसेंसस आफ्टर द डिसीजन विद द स्टेक होल्डर्स ऑन प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन आर एज अंडर। और दोस्तों, इसके बाद ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये सभी डिसीजंस लिए गए हैं, तो इनमें जो पहला डिसीजन है वो है एग्जामिनेशन का। दोस्तों, यही वो डिसीजन है जो यह कहता है कि जो आपके AITT का एग्ज़ाम है वो आगे से नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो पहला ए में बताया गया है, फॉर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम्स ITI पास्ड कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड इन रिलेटेड CTS ट्रेड्स शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि वो कैंडिडेट जो रिलेटेड CTS ट्रेड में पास है, यानी ITI पास जो भी कैंडिडेट हैं वो, तो उनको ट्रेड थ्योरी WCS, ES और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से एग्जम्प्ट रखा जाएगा, यानी उनको इन एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आगे बताया गया है एक्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को छोड़कर, यानी यदि आपको अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो केवल प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाकी के एग्ज़ाम जैसे कि ट्रेड थ्योरी, WCS, ES, इंजीनियरिंग ड्राइंग इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यहाँ पर बी में बताया गया है AITT एग्ज़ाम फॉर एप्लीकेबल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर फ्रेशर अप्रेंटिसज, यानी जो AITT एग्ज़ाम है वो केवल फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट वो कैंडिडेट होते हैं जो नॉन ITI कैंडिडेट होते हैं, तो केवल उन कैंडिडेट्स के लिए ही AITT एग्ज़ाम होगा। सी में बताया गया है ऑफलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेबल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाई कॉन्सर्न इस्टेब्लिशमेंट,
यानी आपका जो केवल एक प्रैक्टिकल का एग्जाम बच जाएगा वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। आपका डिपार्टमेंट वही होगा जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप की है। दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022 इंक्लूडिंग प्रीवियस AITT कैंडिडेट्स। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा और इसमें पीछे वाले AITT कैंडिडेट भी शामिल रहेंगे। दिस डिसीजन विल बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली टू ITI पास आउट्स हु हैव क्लियर्ड प्रैक्टिकल AITT बट नॉट क्लियर्ड द ट्रेड थ्योरी एग्जाम। और दोस्तों यह डिसीजन उन सभी पर भी लागू होगा जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम तो क्लियर कर लिया है लेकिन उसका बाकी किसी सब्जेक्ट में रीअपियर है, यानी ट्रेड थ्योरी में रीअपियर है। तो दोस्तों इस चीज़ से एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है, यदि आप में से किसी कैंडिडेट का 111वीं शिक्षा परीक्षा में यदि रीअपियर आ जाता है तो जब यह नियम लागू हो जाएगा तो आपका केवल प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसमें पास होना अनिवार्य है, उसके बाद भी आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पर बताया गया है एग्जामिनेशन फॉर फ्रेशर कैंडिडेट ऑन डिमांड AITT थ्योरी एग्जाम्स ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ES एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड विल बी कंडक्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स थ्रू आउट द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनका ऑन डिमांड AITT एग्जाम होगा और इसमें जो भी ट्रेड के अनुसार सब्जेक्ट रहेंगे वो सभी उसमें शामिल रहेंगे और यह ऑन डिमांड होगा, यानी जब डिपार्टमेंट डिमांड करेगा एग्जाम की तभी ये एग्जाम करवाए जाएंगे। टिल दिस फैसिलिटी बिकम्स ऑपरेशनल ए क्वार्टरली एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। और जब तक यह फैसिलिटी चालू हो जाती है तब तक जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे। और दोस्तों आगे BTP के बारे में बताया गया है, BTP यानी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर। दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है यदि कोई डिपार्टमेंट 50 या उससे ज़्यादा अप्रेंटिस एंगेज करता है या फिर उसके 50 रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन से वंचित रखा जाए। इनकी जो BTP की अप्रूवल है वो भी 7 दिन के अंदर अंदर दी जानी है, वो भी बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के। और दोस्तों चौथे नंबर का जो है वो भी BTP वालों के लिए ही है, यानी जो बेसिक ट्रेनिंग और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी वो सिमल्टेनियस मोड में एक साथ चलने वाली है। और इस बारे में जो भी BTP क्लेम्स जारी किए जाएंगे उसका भी कोई विशेष लिंक पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों आगे भी BTP के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है, यानी यदि किसी डिपार्टमेंट को हम डेजिनेटेड ट्रेड के तौर पर BTP रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको उसके साथ साथ ऑप्शनल ट्रेड का BTP भी माना जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे क्लेम रिम्बर्समेंट के बारे में लिखा गया है। दोस्तों आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है, देर इज़ नो अपर एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अप्रेंटिसिस इंक्लूडिंग फ्रेशर्स, यानी यहाँ पर जो अपर एज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म कर दी गई है। दोस्तों पहले जो फ्रेशर होते थे उनकी जो अपर एज लिमिट थी वो 21 साल की थी लेकिन अभी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ पर केवल जो मिनिमम एज की लिमिट है 14 साल की वो रखी गई है और जहाँ पर किसी खतरे का अनुमान होता है वहाँ पर 18 साल की उम्र यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों उसके पश्चात कंप्लायंस का यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट को कोई भी नोटिस तब तक इशू नहीं किया जाए जब तक उसमें लगे हुए ऑप्शनल या फिर डेजिनेटेड ट्रेड के जो अप्रेंटिसेज हैं उनको काउंट नहीं किया जाए। तो आगे इस्टेब्लिशमेंट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे या फिर ऐसी कंपनियाँ जो जिनका बिजनेस किन्हीं 4 स्टेट्स में है तो वो किसी भी RDST के पास अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वही जो सिलेक्टेड RDST होगा वह उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट जारी करने से लेकर उनके जो रिम्बर्समेंट का काम है वो देखेगा। और इसके अलावा जो भी बाकी की एक्टिविटीज़ रह जाती हैं वो लोकल RDSDs के द्वारा पूरी की जाएंगी। और दोस्तों अंत में जो 10वां नंबर है वो यहाँ पर बताया गया है, इनकवरेज ई साइन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाई अप्रेंटिसिस एंड इस्टेब्लिशमेंट रादर देन इंक सिग्नेचर्स।
दोस्तों यहाँ पर ई साइन यानी डिजिटल सिग्नेचर की बात कही गई है, यानी आगे भविष्य में पोर्टल पर ई सिग्नेचर भी आने वाले हैं। आपको फिजिकली कहीं सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट ई सिग्नेचर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो OM है वो अप्रेंटिसशिप का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया गया है। तो इसमें यदि किसी तरह की वायलेशन आती है तो यहाँ पर जो भी पब्लिक सर्वेंट या फिर अप्रेंटिस अथॉरिटी हैं वो उस बारे में सीरियसली देखेंगी। और इसमें सभी RDSDs, AAA, SAA, JAA, POO ये सभी आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यह जो नोटिस जारी किया गया है यह सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महोदय के आदेशानुसार जारी किया गया है। तो दोस्तों यही वो नोटिस था जिसमें यह क्लियर मेंशन किया गया है कि आपके जो AITT एग्ज़ाम हैं वो अब आगे नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी डिजिटल ने जो भी फैसला जो भी डिसीजन लिया है, आपको क्या लगता है कि यह डिसीजन सही लिया है या फिर गलत लिया है, तो क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप मुझे इस बारे कॉमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी AITT एग्ज़ाम के बारे में और क्वेरीज दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यावर्त।